वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पर सब खैरियत से होंगे। मैं उषा गुप्ता, ऑल योर वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ के अंदर जो मेथड गो थ्रू करें, इट्स अ स्लाइस इफेक्ट। किस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को स्लाइस इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS, तो आज हम इस मेथड को गो थ्रू करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो कोड को मैंने आप लोगों के लिए जूम कर लिया है, और सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सेक्शन क्रिएट कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक सेक्शन बना लेना है, और सेक्शन के अंदर हम एक क्लास जनरेट कर देते हैं जो कि होगी रैपर। ओके जी, इसी के अंदर वी कैन मेक अ डिव। एक क्लास ले लेते हैं टॉप की, और टॉप क्लास के अंदर वी राइट हियर द स्लाइस्ड, जिस पे हमें इम्प्लीमेंटेशन देनी है, जिसको हमने स्लाइस के इफेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। इसी के साथ साथ वी कैन टेक एन अदर क्लास जिसको हम बॉटम का नाम दे देते हैं, ओके जी। और बॉटम के अंदर भी हम स्लाइस, क्योंकि हम स्लाइस दो दफ़ा लिखेंगे, तो इसके अंदर भी हम स्लाइस का टैग जो है वो ऐड कर लेते हैं, और एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे हम एरिया हिडन का। ओके, इसको हम ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है वो HTML फिनिश हो जाता है। सो मूव ऑन द CSS। सबसे पहले हम यहाँ पर रैपर को कॉल कर लेंगे, और जो फिक्स प्रॉपर्टी है उसको हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। सो डिस्प्ले ग्रिड है, प्लस कंटेंट हम इम्प्लीमेंट करेंगे सेंटर, इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं ब्लैक, एंड देन मिनिमम हाइट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट 100 VH। व्यू पॉइंट के हिसाब से 100 VH हाइट है। फॉन्ट फैमिली डिपेंड करता है, आप कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन इंक्लूड के साथ दे रही हूँ। इसी के साथ साथ फॉन्ट साइज इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्लैंप इम्प्लीमेंट 1.5 REM कॉमा देन 1 REM, इसमें हम ऐड कर देंगे 18 एंड देन 15। ठीक है जी, इसी के साथ साथ फ़ॉन्ट वेट इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई नहीं है, वेब डेवलपमेंट में आप वहाँ जाके गो थ्रू कर सकते हैं। 700 दैन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम सेलेक्ट कर लेंगे अपर केस, एंड देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कलर, यू सैचुरेशन में हम 0 टैप 0% एंड दी 100%। ठीक है जी, तो इट्स लुक लाइक दैट। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट रैपर एंड डेव।
सो यहाँ पर हम ग्रिड एरिया प्रोवाइड कर देते हैं जो क्या है 1 / -1 एंड अगेन -1। ठीक है जी, इसको मैंने ग्रिड एरिया को डिवाइड किया है। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं टॉप की क्लास पे। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मैंने क्लिप पाथ पढ़ाया है रिसेंटली, किस तरीके से आप किसी भी एरिया को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हम ऐड ऑन करने जा रहे हैं। ओके 100%, 0%, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा उसका इसका लिंक जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये मैंने रिसेंटली ये कवर कराया है। किसी भी चीज़ को आप डिवाइड करना चाहते हैं तो पॉलीगन स्टाइल के अंदर, तो फिर आप क्लिप पाथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस। देन अब हम आते हैं बॉटम पे। सो बॉटम की क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम अगेन, क्योंकि बॉटम से भी हमें क्लिप पाथ करना होगा, अगेन पॉलीगन जीरो परसेंट, 60%, 100%, टैब यूज़ कर लेते हैं। 60 को बस थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर देती हूँ 50 के अंदर। नाउ सही है, 100/100 है एंड देन 0/100%। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा बॉटम की जो प्रॉपर्टी है वो भी वैनिश हो गई है। मूव ऑन। सो इसी के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर देती हूँ कलर की। ठीक है जी, तो यहाँ पर ही हम फॉन्ट कलर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो है ट्रांसपेरेंट। अब हम देंगे बैकग्राउंड जो कि है वैबकिट। वैबकिट लीनियर ग्रेडियंट दूंगी मैं, इग्नोर द ग्रेडियंट। ठीक है जी, 177 डिग्री से रोटेट करेगा। देन ब्लैक 53%, कॉमा HSL। HSL की वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। पहले तो मैं 0, फिर टैब, बल्कि आई थिंक कंप्लीट ही है, देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको चले ठीक है जाने देते हैं। इसी के साथ साथ 65%, ओके जी, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। ये बॉटम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो अनदर बैकग्राउंड, क्योंकि आपको टॉप एंड बॉटम लेना है, तो यहाँ पर भी अगेन यही जो है वो आपके सामने है। इसी को मैं टैप करके इसी को ही गेट कर लेती हूँ। ठीक है जी, HSL की भी वही प्रॉपर्टी है, तो मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेती हूँ पूरा। तो यहाँ पर ये एक ब्रैकेट एक्सपेक्टेड कह रहा है, इसको भी हम ऐड देख लेते हैं कि कहाँ पर ये ब्रैकेट जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है।
आई थिंक ये लीनियर ग्रेडिएंट का मांग रहा है। ओके जी, सो इम्प्लीमेंट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी बैकग्राउंड क्लिप। Implement on the tax। इसी के साथ साथ अब हम वेब किट ले लेते हैं। बल्कि लिखा हुआ ही आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, सिंपल मैं टैब प्रेस कर दूंगी, सॉरी। और इसी के साथ साथ लास्ट वन दे लीजिए ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स ले लेते हैं। इम्प्लीमेंट माइनस जीरो, माइनस 0.02 ई एम। तो यहाँ तक जो हमारा मेथड है वो कंप्लीट हो गया। तो रिजल्ट चेक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं एंड देन रिवल इन फायरफॉक्स। सो व्हाट अ रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आपका टैक्स लाइफ टैक्स में डिवाइड हो चुका है। सो इट्स अ वेरी नाइस इफेक्ट, आप इन इफेक्ट को अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं, मेक अट्रैक्टिव मेथड। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।